फोटोशॉप में माउस के बगैर काम करना तो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है दोस्तों, लेकिन अगर फोटोशॉप में फास्ट काम करना है तो कुछ कीबोर्ड शॉर्टकट की बहुत जरूरत है। जैसे यहाँ पे देखिए, क्या आपको पता है कि फोटोशॉप में हम एक ही शॉर्टकट की से इमेज को इन्वर्स कर सकते हैं। सलमान और शाहरुख के भूत बन गए, ओ माय गॉड। लेकिन मैं इसे दोबारा भी ला सकता हूँ, वो भी एक शॉर्टकट की से। और क्या आपको पता है कि हम इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट भी कर सकते हैं, वो भी एक ही शॉर्टकट की से। और दोबारा उसे कलर भी बना सकते हैं, वो भी शॉर्टकट की से दोस्तों। साथ ही में इस इमेज के ऊपर जो लेयर दिखाई दे रहा है उसको आपको डुप्लीकेट करना है, उसको एक शॉर्टकट की से आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, हो गया डुप्लीकेट। और फोटोशॉप में ये जो अलग अलग टूल्स दिख रहे हैं वो एक ही शॉर्टकट की से गायब होते हैं, वो मैजिक। फिर से दोबारा लाना है, फिर से वही शॉर्टकट की प्रेस कीजिए, आ जाएगा। और इतना ही नहीं, एक ही शॉर्टकट की से, जी हाँ, कीबोर्ड की एक ही शॉर्टकट की से हम इमेज के ऊपर का कलर बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऋतिक रोशन में जो टी शर्ट पहना है वो पहले रेड कलर का था, अब कुछ और कलर का होते आपको दिखाई दे रहा है, वो भी एक ही शॉर्टकट की से दोस्तों। तो क्या आप जानने में इंटरेस्टेड हो फोटोशॉप की ऐसी ये शॉर्टकट जो आपको बना देगी फोटोशॉप में सुपर फास्ट? तो अगर इस सवाल का जवाब आपका हाँ है तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं सतीश, रियल ट्यूटोरियल चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। दोस्तों, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट ये सॉफ्टवेयर कंपनी ने। जी हाँ, इनका पीडीएफ एडिटर एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको पीडीएफ एडिट करने के लिए अलाउ करता है। उसमें पुराना टेक्स्ट हटा के आप नया टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, आप टेक्स्ट बॉक्स ऐड करके टाइटल ऐड कर सकते हैं, या फिर आप पीडीएफ में इमेज भी ऐड कर सकते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, ये पीडीएफ फाइल को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए भी अलाउ करता है। जैसे आप पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हैं या आप एक्सेल में कन्वर्ट करना चाहते हैं। साथ ही में पावर पॉइंट, इमेज या टेक्स्ट फाइल में भी पीडीएफ को आप कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। और इसके साथ साथ ढेर सारी पीडीएफ फाइल को कंबाइन करने का ऑप्शन वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट आपको देता है। तो इतने सारे फीचर्स आपको एक ही सॉफ्टवेयर में मिलने वाले हैं जिसका नाम है वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट। जरूर डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दी है, एक बार क्लिक करके चेक कीजिएगा। और अभी आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर क्लिक करके खरीदते हो तो आपको मिलने वाला है $60 का डिस्काउंट। और मैं आपको बताऊं कि इस वेबसाइट पे स्टार्ट ट्रायल का भी ऑप्शन दिया है, जहां पे क्लिक करके आप इस सॉफ्टवेयर को ट्रायल बेसिस पे यूज करके भी देख सकते हैं, बाद में जब आपका मन हो तब खरीद सकते हैं। तो अगर आपका पीडीएफ से रिलेटेड कुछ भी काम है तो वंडरशेयर पीडीएफ एलिमेंट डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा, क्योंकि उसके अंदर एक ही जगह पे आपको बहुत सारे फीचर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर दोस्तों। तो जैसे मैंने फोटोशॉप 7.0 का वीडियो अपलोड किया था जिसे बहुत सारे लोगों ने पसंद किया, बहुत सारे लाइक्स भी आए, व्यू भी आए, आपने देखा होगा चैनल पे ऑलरेडी वो फोटोशॉप का वीडियो अपलोड है और जिसमें मैंने काफी अमेजिंग कंसेप्ट बताए थे। वैसे उस फोटोशॉप के वीडियो के अंदर जो कमेंट आए थे तो उनमें से बहुत सारे कमेंट में ये रिक्वेस्ट थी कि फोटोशॉप की शॉर्टकट की का एक वीडियो अपलोड किया जाए। तो लीजिए, ये है फोटोशॉप शॉर्टकट की का वीडियो दोस्तों आपके लिए। सो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो पार्ट में कहा कि फोटोशॉप में सुपर फास्ट बनना है तो आपको ये 51 शॉर्टकट्स आने चाहिए, और उसमें सबसे पहली शॉर्टकट है कंट्रोल ओ। ये तो बहुत सिंपल है भाई, अगर कोई फाइल यानी कोई इमेज आपको ओपन करनी तो आपको कंट्रोल ओ प्रेस करना है। जैसे कि मैंने प्रेस किया और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आ चुके ढेर सारे इमेजेस। अगर नहीं आया तो आपको यहाँ पे फोल्डर सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें आपकी इमेजेस है। जैसे मैंने ऑलरेडी सिलेक्ट किया है इमेजेस फॉर फोटोशॉप, इसमें मेरी इमेजेस है, आपके केस में कई और जगह पर रह सकती है, तो इसलिए वो सिलेक्ट करो और जो इमेज चाहिए वो आप ओपन कर सकते हैं। बस कंट्रोल ओ के बाद शॉर्टकट की नंबर दो की तरफ बढ़ते हैं, कंट्रोल एन। कंट्रोल एन यानी कि न्यू। अगर आपको फोटोशॉप में नई फाइल लेनी है तो कंट्रोल एन प्रेस कीजिएगा। यहां पे मैं आपको बताऊं कि यहां पे बहुत सारी अलग अलग साइजेस मिलती है जिसमें से आप साइज सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप पेज के हिसाब से लेना चाहते हो तो A4 A3 साइज भी यहाँ पे मिलती है। जो भी साइज का पेज चाहिए सिलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, आपके पास नया पेज आने वाला है। सो कंट्रोल एन यानी कि न्यू इमेज, न्यू फाइल इन फोटोशॉप। अब शॉर्टकट की नंबर तीन में बढ़ते, अब शॉर्टकट की नंबर तीन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें है कि जैसे ये इमेज है और मैं चाहता हूँ कि ये इमेज यहाँ पे मैं जूम करूँ, और मैं इसे जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस 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 प्लस, ओ माय गॉड, जूमिंग हो गया है, बहुत बड़ा जूमिंग हो गया। और कंट्रोल माइनस जो कि शॉर्टकट की नंबर फोर है हमारी, ये देखिए, माइनस मतलब जूम आउट और कंट्रोल प्लस मतलब जूम इन। तो कोई भी इमेज को ऐसे जूम करना है तो कंट्रोल प्लस से होगा, कंट्रोल माइनस से होगा, जूम आउट शॉर्टकट की नंबर तीन और चार, और साथ ही में शॉर्टकट की नंबर पाँच है कंट्रोल जीरो यानी कि फिट ऑन स्क्रीन।
कंट्रोल जीरो मतलब फिट ऑन स्क्रीन दोस्तों, यानी कि आपकी इमेज पूरे स्क्रीन के ऊपर फिट होके यहाँ पे आने वाली है। इसमें और एक शॉर्टकट की रहता है जो कि शॉर्टकट की नंबर 6 है, कंट्रोल अल्ट जीरो। ये फिट ऑन स्क्रीन नहीं है, ये फिट ऑन पिक्सेल्स होता है। देखिए इमेज थोड़ी सी बढ़ गई, कंट्रोल जीरो से देखिए क्या हो रहा है, कंट्रोल अल्ट जीरो से क्या होता है, थोड़ी सी इमेज और बढ़ गई, फिट ऑन पिक्सेल हो जाता है। अभी फिट ऑन एक पिक्सेल मैं दूसरे इमेज में समझाता हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ, ये नई फाइल को भी मैं क्लोज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई और दूसरी इमेज लेता हूँ जिसमें मैं ये फिट ऑन ये वाला लेता हूँ, फिट ऑन पिक्सेल समझा देता हूँ आपको। सो यहाँ पे अगर मैं कंट्रोल जीरो करता हूँ तो ये इमेज दिखाई दे रहा है पूरे स्क्रीन के ऊपर फिट हो रहा है, लेकिन मैं कंट्रोल अल्ट और जीरो दिखाई दे रहा है क्या हो रहा है, जो इमेज की पिक्सल साइज है उसके हिसाब से स्क्रीन के रिजोल्यूशन में वो फिट हो जाएगी। सो कंट्रोल जीरो कंट्रोल अल्ट जीरो मतलब एक्चुअल पिक्सल साइज के हिसाब से इमेज देखनी आपको कितनी बड़ी या छोटी है, सो कंट्रोल अल्ट जीरो से आपको पता चल जाएगा, याद रखिए। क्योंकि क्या होता है, कंट्रोल जीरो करने के बाद तो सभी इमेजेस बड़ी हो जाएगी, लेकिन आप इमेजेस के साइज में जाकर चेक करोगे तो इमेज दरअसल ही छोटी रहती है, तो उसके लिए आप कंट्रोल अल्ट जीरो से भी चेक कर सकते हैं। ये थी शॉर्टकट की नंबर 6, और अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 7। तो 1 to 6 जो शॉर्टकट की है, बेसिकली मैंने आपको बताया कि 1 to 6 में कंट्रोल ओ एन देन कंट्रोल प्लस प्लस कंट्रोल प्लस माइनस मैंने कि जूम आउट देन कंट्रोल जीरो कंट्रोल अल्ट जीरो, यानी कि बेसिक शॉर्टकट कीज मैंने यहाँ पे कवर कर ली। अब थोड़े से आगे शॉर्टकट की तरफ बढ़ेंगे जिसका हमें ज़रूरत पड़ सकता है। जैसे ये इमेज को मैंने कंट्रोल जीरो कर लिया, और अब मैं शॉर्टकट की नंबर 7 बता रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि अगर आप यहाँ पे ग्रिड्स ऑन करना चाहते हैं तो आप ग्रिड्स शो कर सकते हैं ड्राइंग के ऊपर। तो ग्रिड्स शो करने के लिए आपको बस यहाँ पे कंट्रोल इन्वर्टेड कॉमा प्रेस करना है, दैट्स इट, है ना दोस्तों, इजीली ग्रिड्स आ रहे हैं। अभी ग्रिड्स का यूज़ क्या कर सकते हैं, हम ऑब्जेक्ट को अलाइन करने के लिए, या इसमें कोई और ऑब्जेक्ट टेक्स्ट लिखना है जो एक लाइन में रहे, या फिर लेफ्ट साइड में अगर आपको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है, उसके बाद यहाँ पे राइट साइड में भी टेक्स्ट लिखना है, तो ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है, और वही मैं इस ग्रिड को अलाइन करूँगा, यहाँ पे राइट में लिखा हुआ टेक्स्ट भी मैं इस ग्रिड के ऊपर ही रखूँगा। सो ग्रिड का बेनिफिट होता है कि आप टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, ये बेनिफिट यहाँ पे याद रखो। और ग्रिड नहीं चाहिए तो कंट्रोल इन्वर्टेड कोमा, राइट, हटा दिया मैंने ग्रिड को। अच्छा, ग्रिड के अलावा यहाँ पे गाइड्स भी होते हैं, मतलब आप गाइडलाइन भी ले सकते हैं, लेकिन गाइडलाइन लेने के लिए यहाँ पे स्केल की ज़रूरत है आपको, तो स्केल मैं यहाँ पे शो करता हूँ, स्केल की शॉर्टकट के आगे मैं बताऊँगा, फिलहाल मैं गाइडलाइन के बारे में बता रहा हूँ। तो वो देखिए, अब ये गाइडलाइन मैं ऐसा ले सकता हूँ, अगर इमेज को मुझे कुछ क्रॉप करना है प्रॉपर गाइडलाइन के हिसाब से, या फिर इमेज में कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है अलाइन करके, तो इसके लिए ये गाइड्स का हेल्प आप ले सकते हैं। मैंने गाइड ले लिया, और गाइड लेके इमेज को मैं ऐसा यहाँ पे सपोज ये क्रॉप टूल ले रहा हूँ, और इतना ही मुझे क्रॉप करना है, तो गाइड के हिसाब से मैं यहाँ पे गाइड के हिसाब से क्रॉप कर पाऊँगा, राइट। तो मैं क्रॉप नहीं कर रहा हूँ, एस्केप कर रहा हूँ, लेकिन गाइडलाइन मैंने ली है और वो स्केल से ड्रैग करना है। गाइडलाइन आप ऐसे ले सकते हैं, ढेर सारी ले सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी। और इन सभी गाइडलाइन को अगर हाइड करना है एक साथ, तो कंट्रोल सेमी कॉलन प्रेस कीजिए, दोबारा प्रेस कीजिए, वो शो होगी, कंट्रोल सेमी कॉलन दिखाई दे रहा है। तो गाइडलाइन हाइड करने की ये थी शॉर्टकट की नंबर 8। अब हम बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 9 की तरफ। 9 में मैं आपको बताऊं कि ये गाइडलाइन अभी भी आप इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते कि ये गाइडलाइन लॉक हो, तो लॉक गाइडलाइन के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है उसके लिए, वो है कंट्रोल अल्ट और सेमी कॉलन, यानी कि कंट्रोल अल्ट और सेमी कॉलन में प्रेस करूंगा, यहाँ पे वैसे कुछ इफेक्ट नहीं दिखाई देगा, लेकिन गाइडलाइन के ऊपर अगर आप माउस लेते हो ना, तो यू कैन नॉट मूव दैट गाइडलाइन, यू आर नॉट एबल टू मूव दैट, could not the complete request because the layer is locked, मतलब आपकी guideline lock है ये, so guideline lock है तो ये इस तरह से error आ जाएगा, होगा ही नहीं। so control alt और semicolon दोबारा press कीजिए, अब guideline आप इधर से उधर move कर सकते हैं। so shortcut की number 9 में मैंने आपको बताया कि guideline कैसे lock करते हैं। ज़रूरी होता है जब guideline आप लेते हो और आपको लगता है कि ये guideline इधर उधर ना हो जाए, फिक्स रहे, मतलब आपका माउस पॉइंटर गलती से उसके ऊपर क्लिक होकर मूव होते तो पोजिशन उसकी चेंज होगी, तो गाइडलाइन फिक्स करने के लिए कंट्रोल अल्ट सेमी कॉलन जो कि लॉक गाइड। अब शॉर्टकट की नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, और 10 में मैं आपको बताऊं, जैसे ये गाइडलाइन मैंने ऑन किया, फिर मैंने यहाँ पे ग्रिडलाइन भी ऑन किया, चलिए गाइडलाइन और ग्रिडलाइन दोनों भी आ गए, लेकिन दोनों को एक एक करके हाइड करना है, तो कंट्रोल इन्वर्टेड मतलब ग्रिडलाइन हाइड होगी, फिर कंट्रोल सेमी कॉलन मतलब गाइडलाइन हाइड होगी, दोबारा मैं शो करता हूँ दोनों को भी, कंट्रोल इन्वर्टेड और कंट्रोल सेमी कॉलन, ये समझ में आपको, लेकिन दोनों को एक साथ हाइड करना है तो कंट्रोल एच यानी कि एक्स्ट्राज, ये है हमारी शॉर्टकट की नंबर 10 जो कि एक्स्ट्राज यानी एक साथ हाइड होती है। अच्छा, मैं ये पॉइंट को आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हो, आपको व्यू में जाना है, व्यू में शो में जाना है, और यहाँ पे ग्रिड और गाइड्स जो ऑप्शन है ना, स्लाइस भी, ये सारे के सारे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और शो जो शो के ऊपर दिखाई दे रहा है एक्स्ट्राज, यानी कि एक्स्ट्राज ऑप्शन यानी कि ये शो और हाइड करना, अगर आप कंट्रोल एच करते हो तो ये शो होगा, कंट्रोल एच फिर से हाइड होगा, शो और हाइड।
सो गाइडलाइन को एक साथ हाइड करना है या गाइडलाइन और ग्रिड लाइन दोनों को एक साथ हाइड करना है तो कंट्रोल एच शॉर्टकट की नंबर 10। अब शॉर्टकट की नंबर 11 में मैं आपको बताऊं कि अगर फोटोशॉप में आप कुछ काम करते हो और आप चाहते हो कि इसका प्रीवियसली, मतलब सपोज मैंने इस चेहरे को लाकर यहाँ पे रख दिया तो आप पीछे जाना चाहते हो तो कंट्रोल जेड, सिंपल है ना, कंट्रोल जेड तो पता है सबको। लेकिन आपने दो तीन बार ऐसी चीज़ें की, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस इमेज को मैंने यहाँ पे अल्ट बटन प्रेस करके ड्रैग किया, फिर अल्ट प्रेस करके यहाँ पे भी ड्रैग किया, अल्ट प्रेस करके, अल्ट से डुप्लीकेट आता है याद रखिए, वैसे अल्ट प्रेस करके ड्रैग किया, अब मैं कंट्रोल जेड करूँगा तो क्या होता है, देखिए कंट्रोल जेड एक ही अंडू होगा बस कंट्रोल जेड से। सो मुझे ये सारे निकालना है तो मल्टीपल अंडू की ज़रूरत है। सो मल्टीपल अंडू करने के लिए कंट्रोल अल्ट जेड, कंट्रोल अल्ट जेड याद रखिए, ये है हमारी शॉर्टकट की नंबर 11, मल्टीपल अंडू। हमने पीछे चले गए पूरा अंडू हो गया। सो फोटोशॉप में कंट्रोल अल्ट जेड यूज़ किया जाता है और मल्टीपल रीडू करना है तो शॉर्टकट की नंबर 12 है, शॉर्टकट की नंबर 12 में मल्टीपल रीडू कंट्रोल शिफ्ट जेड, है ना इंटरेस्टिंग, कंट्रोल शिफ्ट जेड प्रेस कीजिए बस रीडू हो जाएगा। अंडू के बाद रीडू आता है, पांडू नहीं आता है दोस्तों। ओके, ये मैंने पहले भी शॉर्टकट कीज में बताया है। फिलहाल तो आपको ये समझ में आया होगा कि मल्टीपल गलतियाँ फोटोशॉप कैसे करेक्ट करने के लिए अलाउ करेगा आपको, मतलब आपने यहाँ पे ये इतनी सारी गलतियाँ की है और आप नहीं चाहते हो ये, तो कंट्रोल अल्ट जेड 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 राइट। सो फोटोशॉप आपको गलतियाँ माफ करता है और पीछे जाने के लिए अलाउ करता है, लेकिन लाइफ में गलतियाँ माफ नहीं होती, याद रखना है, अंडू नहीं होता लाइफ में, याद रखना है दोस्तों, समझे ना। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे बताऊँ आपको कि कंट्रोल वाई किसके लिए यूज़ होता है, फिर मतलब कंट्रोल वाई तो जनरली वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट अगर आपको आता है तो उसमें हम रीडू के लिए यूज़ करते हैं राइट। सो यहाँ पे कंट्रोल वाई की ज़रूरत क्या है, तो यहाँ पे कंट्रोल वाई से क्या होता है, देखिए यहाँ पे RGB ऊपर दिख रहा है ना, मैं कंट्रोल वाई करता हूँ तो RGB टू CMYK कन्वर्ट हो रहा है, वो बस इतना ही हो रहा है, बाकी इमेज में ज़्यादा फर्क नहीं आएगा, बस RGB टू CMYK यहाँ पे दिखाई देता है। अच्छा ये क्या होता है CMYK, क्या आपको पता है RGB CMYK क्या होता क्या एग्जैक्टली, ये RGB मतलब रेड ग्रीन ब्लू ये कलर कॉम्बिनेशन, और CMYK सियन मजेंटा येलो एंड ब्लैक कलर का सबका कॉम्बिनेशन CMYK होता है। अच्छा ये थी शॉर्टकट की नंबर 13 जो कि कंट्रोल वाई है, लेकिन शॉर्टकट की नंबर 14 में है कंट्रोल आर जो कि रूलर की शॉर्टकट की मैं आगे बताने वाला आपको, और यहाँ पे है कंट्रोल आर यानी रूलर शो हाइड, शो हाइड यहाँ पे आपकी स्केल ये दिख रहा है ना स्केल, यहाँ पे स्केल से गाइडलाइन लेते हैं, अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो स्केल की ज़रूरत है, और स्केल को हाइड और शो करने के लिए आपको पता है क्या करना है, कंट्रोल आर कीजिए राइट। सो कंट्रोल आर के बाद शॉर्टकट की नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर इस इमेज को, चलो मैं एक काम करता हूँ इसकी जगह दूसरी इमेज लेते हैं हम लोग, अब ये इमेज से हम बोर हो गए, कुछ और इमेज लेते हैं हम, यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारी इमेजेस है और इन दोनों को लेते हैं, क्या ये आपस में झगड़ा कर रहे हैं। अच्छा ये ग्रिड लाइन आ रही है, कंट्रोल एच बटन प्रेस कीजिए हाइड कीजिए, ओके तो ग्रीन लाइन अगर आती है ऐसे तो कंट्रोल एच से आप तुरंत गायब कर सकते हो। और यहाँ पे शाहरुख और सलमान क्या कर रहे हैं, ओ माय गॉड झगड़ा चल रहा है इनका, नहीं बात कर रहे होंगे शायद, जाने दो हमें क्या करना है उनके बारे में, हमें तो देखना है कि हमारी नेक्स्ट शॉर्टकट की है क्या एग्जैक्टली। मैं चाहता हूँ शाहरुख को इसमें से अलग करूँ तो मैं यहाँ पे ये टूल लूंगा जिसका नाम है रेक्टेंगल मार्की टूल, आपको दरअसल पता ही है रेक्टेंगल मार्की टूल, लेकिन मैं कर क्या रहा हूँ जरा ध्यान से देखिए, इसको मैंने लिया और फिर मैंने इसे यहाँ पे रहने दिया, सिलेक्ट करने के बाद नया पेज लिया मैंने, यहाँ पे नया पेज तो कंट्रोल एन से लेते हैं और ये पेज को मैंने साइड में रख दिया। अब मैं मूव टूल को लाने के लिए वैसे क्या प्रेस करना है मैं आपको बताता हूँ, वी क्या प्रेस करना है, वी। अच्छा इन टूल्स को एक्सेस करने के लिए भी शॉर्टकट की रहते हैं, अगर उसके ऊपर माउस रखते हो ना आप तो शॉर्टकट की दिखाई देती है, याद रखिए जो भी टूल के ऊपर माउस रखोगे उस टूल का शॉर्टकट की वहाँ पे दिखाई देगा, जैसे मैंने यहाँ पे माउस रख दिया टेक्स्ट के ऊपर, तो टेक्स्ट के लिए क्या प्रेस करना है आपको, टी आगे ब्रैकेट में आ रहा है राइट। सो ये क्रॉप के लिए सी प्रेस कीजिए, वैसे रेक्टेंगल मार्की टूल के लिए एम और मूव टूल के लिए मूव नहीं वी प्रेस करना है राइट। सो वी प्रेस किया है और यहाँ से इसे मूव करके यहाँ पे रख दिया। अब ये शॉर्टकट की नंबर जो 15 है हमारी, उसमें मैं आपको बताऊँ कि इसकी साइज़ आपको बढ़ानी है तो कंट्रोल टी बटन प्रेस करना है आपको। अच्छा ये कंट्रोल टी अगर आप नहीं प्रेस करते हो तो भी आप साइज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए बस यहाँ पे ऑप्शन बार में शो बाउंडिंग बॉक्स ये ऑप्शन आपका चेक रहना चाहिए, फिर आपको ये ऑप्शन डायरेक्ट मिलता है, लेकिन ये चेक नहीं है तो आपको कंट्रोल टी ही करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी मतलब। और फिर साइज़ बढ़ाते समय एक बात ध्यान में रखिएगा, शिफ्ट बटन प्रेस करके कॉर्नर से ड्रैग करना है, कॉर्नर से नहीं ड्रैग करोगे तो ऐसा लगेगा कि शाहरुख खान ने बहुत कुछ वड़ा पाव खा लिया और चेहरा ऐसा बन गया, ओ माय गॉड ये तो तन्मय भट्ट बन गए, ओहो नहीं आए मुझे नहीं बनाना इनका तन्मय भट्ट, शाहरुख खान को शाहरुख खान की तरह रखना है और ऐसा पतला, ये देखिए बहुत पतला हो गया। सो ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें इसके साथ, हमें करना है शिफ्ट बटन प्रेस करके कॉर्नर से ड्रैग, ताकि इस इमेज की प्रोपोर्शनैलिटी
मेंटेन रहे, राइट। सो एंटर बटन प्रेस कीजिए ये कंट्रोल टी के पॉइंट्स हटाने के लिए। ये थी शॉर्टकट की नंबर 15। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 16 की तरफ। शॉर्टकट की नंबर 16 बहुत सिंपल है। इस इमेज के ऊपर आते हैं, मैंने इतना सिलेक्ट किया था, इस सिलेक्शन को मैंने हटा दिया, अब मैं पूरा सिलेक्ट करना चाहता हूँ, पूरा इमेज, आधा नहीं पूरा। सो कंट्रोल ए, शॉर्टकट की नंबर 16, कंट्रोल ए मतलब सिलेक्ट ऑल, जो कि आपको दिख रहा है, और सिलेक्ट एक साथ मूव करके हम रख सकते हैं। फिलहाल मुझे नहीं रखना है, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, इस लेयर को डिलीट कर दिया मैंने। सो शॉर्टकट की नंबर 16 के बाद शॉर्टकट की नंबर 17 में बढ़ते हैं, और यहाँ पे ये जो मैंने सिलेक्शन किया है ये मैं हटाना चाहता हूँ, कंट्रोल डी। मतलब आपने कोई भी सिलेक्शन किया है ना, उसे हटाने के लिए कंट्रोल डी, याद रखिए, आपने कोई भी सिलेक्शन किया हटाने के लिए कंट्रोल डी। शॉर्टकट की नंबर 17 के बाद शॉर्टकट की नंबर 18 में बढ़ते हैं। तो अगर मैंने यहाँ पे कोई भी सिलेक्शन किया है और मैंने इसे निकाला कंट्रोल डी से और दोबारा चाहिए इस सिलेक्शन को मुझे, तो मैं कंट्रोल शिफ्ट डी प्रेस करूंगा दोस्तों। सिंपल है ना, कंट्रोल शिफ्ट डी रीसिलेक्ट, कंट्रोल डी डीसिलेक्ट, डीसिलेक्ट, और दोबारा सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल शिफ्ट डी, वो रीसिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ये थी शॉर्टकट की नंबर 18। अब शॉर्टकट की नंबर 19 में मैं आपको बताऊं कि अगर मैंने इतना सिलेक्ट किया और मैं इतना मूव करूंगा तो ये इतना तो मूव होने वाला है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। लेकिन मैं ये बाकी का पोर्शन मूव करना चाहता हूँ इसे छोड़ के, सो मैं कंट्रोल शिफ्ट और आई प्रेस करूँगा, जो कि है शॉर्टकट की नंबर 19। और मैंने क्या किया, देखिए, कंट्रोल शिफ्ट आई यानी सिलेक्ट इनवर्स, अब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो क्या हो रहा है, उतना छोड़ के बाकी का आ रहा है, राइट। सो इधर ये बिठा देते हम ऐसा, राइट, हमारे पास ऑलरेडी कटिंग है। सो गॉट इट गाइज, कंट्रोल शिफ्ट आई इनवर्स, सिलेक्शन का इनवर्स आ जाता है, बहुत काम की चीज़ है, बहुत जगह पे रहती है। जैसे आपने इमेज को सिलेक्ट किया तो बैकग्राउंड सिलेक्ट करना है इमेज को छोड़ के, तो आप कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करके सिलेक्ट इनवर्स, काम की चीज़ है, शॉर्टकट की नंबर 19 याद रखिए। अब शॉर्टकट की नंबर 20 काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ये शॉर्टकट की नंबर 20 जो है वो आप अपने दुश्मन के फोटो पे यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी पे गुस्सा निकालना है तो ये शॉर्टकट की बहुत काम की है, मजाक तो कर रहा हूँ मैं, जस्ट किडिंग, बट आपको बता रहा हूँ कि ये है काम की। वैसे दिखाता हूँ मैं ये क्या है कैसे है, लेकिन मैं इसके लिए पहले इमेज लेना चाहूँगा। तो यहाँ पे आप कोई भी इमेज ले सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि मैं खुद की इमेज ले लूँ, मेरा तो कोई दुश्मन नहीं है, मैं खुद भी नहीं हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं इसे क्रॉप करता हूँ, क्रॉप टूल से मैंने सिलेक्ट किया, इसे क्रॉप किया, दिखाई दे रहा है आपको क्रॉप, एंटर बटन प्रेस करेंगे तो भी चलेगा सिलेक्ट करने के बाद, इतना रखा मैंने। सो अब इस इमेज को मैं एक शॉर्टकट की प्रेस से ये इफेक्ट अप्लाई करना चाहूँगा, वो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट और एक्स। जैसे मैं कंट्रोल शिफ्ट एक्स प्रेस करूँगा, लिक्विफाई, यस, इमेज लिक्विफाई का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ये मैंने फोटोशॉप की ट्यूटोरियल में बताया ऑलरेडी। और इससे होगा क्या, मैंने कंट्रोल प्लस करके इसे जूम किया, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स है जिसे लेकर अगर आप क्लिक करके खींचोगे, ओ माय गॉड क्या हो रहा है, आई डोंट वॉन्ट टू मेक दिस विथ माई इमेज, बट स्टिल ये एक ऐसा आप बना सकते हैं जिसके ऊपर आपको गुस्सा लग रहा है तो उसको टकला बनाना है तो आप इसे खींच खींच के उसको टकला बना सकते हैं, मतलब ये यहाँ पे ऊपर लेके, या फिर इसे रिसेट करना है तो अल्ट बटन प्रेस कीजिए, या फिर रिसेट बटन है, ओके। सो कंट्रोल प्लस जूमिंग, यहाँ पे अलग अलग टूल्स है, ट्विल टूल लीजिए, या फिर यहाँ पे अलग अलग जूम इन जूम आउट वाले टूल है, यहाँ पे कोई भी टूल लीजिए, और टूल लेने के बाद राइट साइड में ब्रश साइज आती है, ब्रश साइज बढ़ाइए कम करिए, और इसे देखिए क्या होता है, ओ माय गॉड, ऐसा तो मैं कभी नहीं बनाना चाहूँगा अपनी इमेज के साथ, लेकिन मैं बस आपको दिखा रहा हूँ, यू कैन डू इट विथ योर इमेज और एनी वन एल्स ऑल्सो। आपकी इमेज पे तो आप नहीं करोगे, जाहिर सी बात है, लेकिन आप किसी और की इमेज पे कर सकते हैं, अगर आपको उससे गुस्सा है तो फिजिकली गुस्सा जाकर उतारने से अच्छा ऐसे इमेज के साथ करो, अपनी मन की शांति ले लो। वाओ, ऐसी भी शांति होती है क्या, नहीं मैं बकवास कर रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि लिक्विफाई टूल से हम क्या कर सकते हैं, राइट। दोस्तों शॉर्टकट की नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको चाहिए यहाँ पे एक नया लेयर। सपोज ये इमेज तो क्लोज कर देता हूँ मैं अभी, मेरी वाली, यहाँ पे इस इमेज को मैंने खिचड़ी बना के रख दी, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे ज़्यादा इमेजेस की ज़रूरत नहीं है तो आप क्लोज कीजिए। अब मुझे यहाँ पे नया लेयर इंसर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा नया लेयर इंसर्ट करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट और एन प्रेस करूँगा, आपके सामने आएगा एक न्यू लेयर का डायलॉग बॉक्स, जिसमें आप ओके करते ही डायरेक्टली डायलॉग बॉक्स यहाँ पे एक नया लेयर होगा। दरअसल हम नया लेयर लेने के लिए मैन्युअली यानी माउस से कैसे करते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन है जिससे आप माउस से यहाँ पे नया लेयर ले सकते हैं, यू नो दैट, यहाँ से नया लेयर लेते हैं, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट एन एक तरीका है जो कीबोर्ड से आप कर सकते हैं नया लेयर, राइट। अब ये लेयर तो हमने ले लिया, लेकिन लेयर को हम डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, यानी कि सपोज ये इमेज है, इसका डुप्लीकेट करना है, सो कंट्रोल जे, ये हमारी शॉर्टकट की नंबर
22 है, जिसमें मैं आपको बताऊं कि डुप्लीकेट लेयर होता है, जैसे कंट्रोल जे प्रेस किया तो ये डुप्लीकेट आ गया। अच्छा आपको और एग्जांपल के साथ दिखा देता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट टाइप किया, टेक्स्ट टाइप कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, टेक्स्ट क्लिक कर रहा हूँ और मैंने नाम लिखा सलमान, थोड़ा सा ये कलर वगैरह चेंज करके रख देता हूँ इसका मैं यहाँ पे, और थोड़ी सी साइज वगैरह और बढ़ा के रख देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे मुझे सलमान का क्या करना है, डुप्लीकेट करना है इसी लेयर का, और मुझे शाहरुख लिखना है। सो मैं कंट्रोल जे बटन प्रेस करूँगा, यहाँ पे देखिए और दो लेयर आ चुके हैं, लेयर साइड में देखिए आप, ये दो लेयर आ चुके हैं। अच्छा ये लेयर आपके बड़े नहीं दिख रहे और आपको बड़े लेयर अच्छे लगते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं, लेयर की बात कर रहा हूँ मैं। सो यहाँ पे यहाँ पे मुझे बड़े लेयर चाहिए, मतलब ये प्रीव्यू बड़ा आना चाहिए लेयर का, तो इसके लिए यहाँ पे ये जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ना लेयर के ऊपर, ये दो एरो दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे एरो, छोटे से नन्हे से प्यारे से एरो पे क्लिक करो और पैलेट ऑप्शन में चले जाइएगा दोस्तों, पैलेट ऑप्शन, और यहाँ पे आता है ये बड़ा प्रीव्यू, ये बड़ा प्रीव्यू थंबनेल साइज, ये बड़ा ले लो, छोटा रहेगा तो या नन रहेगा तो आपको प्रीव्यू बिल्कुल नजर नहीं आएगा। फिर आप बोलोगे यार सर आपका लेयर तो अलग आ रहा था, हमारा लेयर अलग आ रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि आपने ये नहीं किया जो हमने किया, अभी हमने आपको बता दिया और आप भी जरूर कीजिए। और आपको दिख रहा है ये दोनों लेयर कंट्रोल जे करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है, डुप्लीकेट हो चुका है सलमान, यहाँ पे ड्रैग कीजिए, देखिए सलमान के ऊपर और एक सलमान था यहाँ पे लिया, फिर टेक्स्ट टूल लेके इसमें बस शाहरुख लिखूँ मैंने। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे टेक्स्ट की साइज़ वापस नहीं करनी थी चेंज, मुझे वही टेक्स्ट साइज का एक टेक्स्ट चाहिए था तो मैंने ये कर दिया, और मैं कंट्रोल जे करूँगा तो डुप्लीकेट लेयर होगा। किसी भी लेयर का डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल जे, ये शॉर्टकट की नंबर 22 यूज़ कीजिएगा। अब बढ़ते हैं शॉर्टकट की नंबर 23 की तरफ, लेकिन उसके लिए लेते हैं दूसरी इमेज, के लिए मैंने यहाँ पे सलमान भैया की दूसरी इमेज। देखिए यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, कोई भी इमेज लीजिए आप, मैंने सलमान भैया के लिए, सो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ कंट्रोल एल शॉर्टकट की नंबर 23 में, कंट्रोल एल जैसे आप प्रेस करोगे आपके सामने आएगा लेवल्स का डायलॉग बॉक्स। अब ये क्या लेवल करता है, ये आरजीबी कलर को लेवल करता है, अगर आप रेड सेलेक्ट करते हो तो रेड कलर को अलग लेवल में लेके आ जाता है, मतलब रेड पूरा रिड्यूस करना है या फिर उतना ही रख देना है। वैसे ग्रीन लेवल या ग्रीन कलर का लेवल भी कम ज़्यादा आप इमेज में से कर सकते हैं। आप बोलोगे यहाँ पे तो इमेज में ग्रीन कलर दिख ही नहीं रहा है, क्या बात कर रहे हो, लेकिन मैं आपको बताऊँ कि ये इमेज जो है रेड ग्रीन ब्लू से ही बनी है, उसके अलावा इमेज नहीं है। आप यहाँ से अगर ब्लू में सिलेक्ट करते हो और ब्लू भी नहीं दिख रहा है, लेकिन देखिए आप ब्लू कम करते ही वहाँ पर रेड और ग्रीन का मिक्सचर से येलोविश कलर दिखाई देगा। सो ये जो है लेवल्स लाने के लिए कंट्रोल एल, ये 23 नंबर की शॉर्टकट की जैसे कलर का लेवल आप चेंज कर सकते हैं। और शॉर्टकट की नंबर 24 में मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल शिफ्ट एल जो होगा ऑटो लेवल्स, ऑटोमेटिक लेवल्स यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा, दिखाई दे रहा है। सो कलर का लेवल्स ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, कलर को ब्राइटनेस कर रहा है, इफेक्ट आपको तुरंत इमेज के ऊपर दिखाई दे रहा है, मुझे अलग से दिखाने की बताने की जरूरत नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट एल ऑटो लेवल करता है, कंट्रोल जेड कर देता हूँ फिलहाल मैं अंडू, एक अंडू करने के लिए कंट्रोल जेड है ना दोस्तों। फिलहाल शॉर्टकट की नंबर 25 में मैं आपको बताऊँ कि कंट्रोल बी है जो कलर बैलेंस के लिए यूज़ किया जाता है, कंट्रोल बी कलर बैलेंस, जी हाँ कलर बैलेंस यहाँ पे भी आते हैं, वही टूल जो कि आपको अलग अलग कलर सियान मजेंटा येलो ब्लैक ग्रीन रेड ब्लू ये सारे कलर को यहाँ पे मैनेज किया जा सकता है, जो कि आप यहाँ पे देख पाते हो ये बार आता है, ये बार अलग अलग हॉरिजेंटल बार आते हैं, इसमें से आप इसे सिलेक्ट करके ड्रैग कर सकते हैं। सो ये था शॉर्टकट की नंबर 25, 26 में मैं आपको बताऊं कि ऑटो कलर भी हो जाता है, कंट्रोल शिफ्ट बी कीजिए ऑटोमेटिक कलर बैलेंस हो जाता है, जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट एल किया था वैसे यहाँ पे कुछ कंट्रोल शिफ्ट बी से भी होता है, कंट्रोल शिफ्ट एल से भी वही हो रहा था लगभग, कंट्रोल शिफ्ट बी से थोड़ा बहुत इफेक्ट होता है यहाँ पे आप नोटिस करेंगे तो, कंट्रोल शिफ्ट बी ऑटो कलर राइट, अलग अलग इमेज के ऊपर ये करके देख सकते हैं आपको, अगर मैन्युअली आपको कलर एडजस्ट नहीं करना है तो। अच्छा अगर आपको मैन्युअली करना है तो शॉर्टकट की नंबर 27 है जिसमें आप कंट्रोल एम करेंगे तो आपको कर्व्स मिलता है, ये कर्व्स ब्राइटनेस एडजस्ट करने के लिए होता है, और इस कर्व्स में अगर मैं ये कॉर्नर पे यहाँ पे माउस रखता हूँ और ऊपर खींचता हूँ तो इमेज के ऊपर देखिए एक प्रॉपर ब्राइटनेस आ जाता है, प्रॉपर इमेज एकदम गोरी दिखने लग जाती है, जैसे कि फेयर एंड लवली लगाया है सलमान खान ने, राइट ऐसा तो नहीं है लेकिन यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। अच्छा आप बोलोगे सर वैसे तो हम यहाँ पे भी ब्राइटनेस ला सकते हैं इमेज में एडजस्टमेंट ये ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट ऑप्शन से, हाँ ये ऑप्शन है लेकिन ये बहुत बकवास दिखता है, इससे अगर आप ब्राइटनेस वगैरह बढ़ा दे तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि ये पूरे इमेज को टी शर्ट विशर्ट सारी जगह पर यह ब्राइटनेस बढ़ाता है, ज़्यादातर तो चेहरे पे बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ता, इसलिए मैं इमेज एडजस्टमेंट में ये कर्व्स वाला ऑप्शन लेता हूँ, जो कि मैं कंट्रोल एम प्रेस करके मैंने आपको दिखाया था। यहाँ पे देखिए ये कर्व से होता क्या है, एग्जैक्टली आप देखेंगे तो ये चेहरे के ऊपर का ब्राइटनेस यहाँ पे जो डार्क पॉइंट्स थे वो निकल गए। ओके सो कंट्रोल जेड करके देखिए ओरिजिनल कैसा था, अब देखिए कैसा है, वाह इंटरेस्टिंग लग रहा है। सो ये थी शॉर्टकट की नंबर 27 कंट्रोल एम,
अब शॉर्टकट की नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि इस इमेज को एक सेकेंड में मैं यहाँ पे कर रहा हूँ डिसेचुरेट, यानी ब्लैक एंड व्हाइट। शॉर्टकट की नंबर 28 यही तो है दोस्तों कि इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करेंगे एक सेकेंड में। कंट्रोल शिफ्ट यू, ब्लैक एंड व्हाइट डिसेचुरेट, कंट्रोल शिफ्ट यू, ब्लैक एंड व्हाइट, राइट। सो शॉर्टकट की नंबर 29 देखिए, अभी ये तो छोटी सी थी, अब 29 देखिए क्या है। 29 में है कंट्रोल यू जो है ह्यूज एंड सैचुरेशंस। अच्छा, सैचुरेशन से मतलब यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट होगा, सैचुरेट दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन मैं इसमें सैचुरेशन ही ह्यूज चेंज करूँगा तो इसके चेहरे का कलर चेंज हो रहा है। आखिरकार वही तो एक कलर की चीज़ है यहाँ पे, मतलब बाकी शर्ट वगैरह तो ब्लैक है। मैं काम करता हूँ इमेज को बदल देता हूँ, क्योंकि मुझे जो इफेक्ट दिखाना है ये इमेज मैं बंद कर रहा हूँ और मैं कोई और इंटरेस्टिंग अजीब और कोई अच्छी वाली इमेज लेता हूँ। चलिए, दो तीन इमेज मैंने एक साथ ले ली है, एक एक इमेज करके इसके ऊपर इफेक्ट देखेंगे। सो यहाँ पे देखते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करता हूँ मैं, कंट्रोल यू ह्यूज इन सैचुरेशन। अब देखिए इसके जो उसने कपड़ा पहना है उसका भी चेंज हो रहा है कलर, राइट। बस माउस घुमाओ और कलर चेंज हो जाएगा। अगर वहाँ पे ये मिनिमाइज हो गया, मतलब ऐसे कभी कभी बाजू में क्लिक करके आप ड्रैग करते करते ये मिनिमाइज हो जाता है, तो अल टैप करके इसे ला सकते हैं, ये टूल बार गायब हो जाता है। कभी कभी आपने ड्रैग कर लिया ऐसे ऐसे, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अभी देखिए वो टूल बार गायब हो गया मेरा, मतलब अभी यहाँ पे पेन आ रहा है और टूल बार गायब हो गया है। तो उस टूल बार को लाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे एक तो अल टैप बटन प्रेस करूंगा तो आ जाएगा, नहीं तो आप क्या करो, अल टैप नहीं तो आप यहाँ पे ऐसा टूल बार पे एक दो बार माउस लेके क्लिक करोगे कहीं पे तो आ जाएगा वो। सो ये टूल बार दोबारा आ गया, यहाँ पे क्या हो रहा है, चेहरे का भी कलर चेंज हो रहा है, ड्रेस का भी हो रहा है, राइट। ह्यूज एंड सैचुरेशन में क्या हो रहा है आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ यार ये चेहरे का कलर ना बदले, ये जो कपड़ा ड्रेस पहना है उसने, आई मीन इसका कलर चेंज हो जाए। सो करेंगे क्या, उसके लिए आपको प्रेस करना है अल्ट आई ए आर, अल्टा ए आर होता क्या है, रिप्लेस कलर होता है दोस्तों, दिखाता हूँ मैं। देखिए अल्टा ए आर किया मैंने और यहाँ पे मैंने क्या किया, इसके ये ड्रेस पे क्लिक किया और यहाँ पे फ्यूजनेस थोड़ा सा कम रखा, ड्रेस का जो कलर है यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं आप। ये देखिए वही सिलेक्ट होना चाहिए, यहाँ पे वही हाईलाइट होना चाहिए, ये फुजीनेस या फ्यूजनेस जो भी इसे बोलो आप, अलग अलग कंट्री में अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते होंगे, तो फुजीनेस मैं बोलता हूँ इसे। सो इस फुजीनेस को मैं यहाँ पे कम ज़्यादा करता हूँ और यहाँ पे देखिए यूज़ करके यहाँ पे देखिए क्या चेंज हो रहा है, आपको नज़र आ रहा है जो जो ड्रेस है उसका वही चेंज हो रहा है, राइट। ओके, सो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, इसके ऊपर दिखाता हूँ, चलिए इस इमेज के ऊपर इसे हम बंद कर देते थोड़ी देर के लिए। अब इसके ऊपर देखते हैं कैसे करना है, यहाँ पे अल्ट आई ए आर प्रेस करूँगा रिप्लेस कलर। पहले मैं सारी पे क्लिक करूँगा, सारी के फॉल सी, और ये गाना नहीं गा रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ बस, यहाँ पे सारी को सिलेक्ट करना है और ये फुजीनेस देखिए आप कम रखेंगे तो ऐसा आ जाएगा, इमेज के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सारी सिलेक्ट हो रही कि नहीं हो रही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके बाद ह्यूज जो है कम करो, चेंज करो, ओहो एक सेकेंड में इतनी सारी कलर्स, ओहो क्या बात है, साड़ी के कलर्स बहुत सारे, यहाँ पे बस ड्रैग कीजिएगा, इतने कलर तो दुकान में भी नहीं मिलेंगे, राइट दोस्तों, नहीं मिल जाएंगे, लेकिन फिलहाल तो देखिए क्या करना है आपको, बस ड्रैग करना है इस पॉइंट को और यहाँ पे आप कलर चेंज करेंगे, उसके साथ में उसके लिप्स का भी कलर चेंज हो रहा है क्योंकि वो साड़ी से मैच हो रहा है, राइट। सो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ अल्ट आई, दरअसल मैं अल्ट आई ए आर क्या कर रहा हूँ मैं बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर देखिए अल्ट प्रेस करने के बाद कुछ हाईलाइट हो रहा है, जैसे कि एफ के नीचे अंडरलाइन आ रही है, ई के नीचे आ रही है, मेनू में देखिए इमेज के आई के नीचे आ रही है। सो इसके लिए मैंने आई प्रेस किया तो मैं इमेज में चला जाऊंगा, उसके बाद एडजस्टमेंट के नीचे अंडरलाइन आ रही है ए एडजस्टमेंट, और उसके बाद रिप्लेस कलर ये दिखाई दे रहा है, मैं दिखाता हूँ माउस से दिखाता हूँ आपको ताकि पता चलेगा, रिप्लेस कलर इतने सारे ऑप्शन में ये हम ले रहे हैं आर रिप्लेस कलर, और उसके बाद मैंने क्लिक कर दिया जो कलर को चेंज करना है। फिलहाल ये कलर उसका जो टी शर्ट है और पीछे का कलर सब लगभग मैच हो रहा है और चेहरे का भी थोड़ा बहुत वही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा फुजीनेस कम कर लेते हैं और यहाँ पे देखते हैं उसका चेहरा डिसलेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, ओ इंटरेस्टिंग, एक सेकेंड में चेहरे पर भी वो कलर थोड़ा सा आ रहा है जो कलर हम टी शर्ट पर दे रहे हैं क्योंकि वो ज़रा मैच हो रहा है। लेकिन आपके पास कोई ऐसी इमेज है जिसमें चेहरे का कलर अलग ही है तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग नज़र आएगा आपको, एक सेकेंड में बिना किसी सिलेक्शन का हम कोई भी कपड़े का कलर बदल सकते हैं, किसी का भी शर्ट बदल सकते हैं, किसी का शर्ट नहीं बदल सकते हम, शर्ट का कलर बदलेंगे, और यहाँ पे वही कर रहा हूँ मैं, कलर बदल रहा हूँ। ओके, समझ में आया ना आपको दोस्तों। सो ये ज़रूर करके देखिएगा, इंटरेस्टिंग शॉर्टकट की थी ये थी शॉर्टकट की नंबर 29। अब शॉर्टकट की नंबर 30 में मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पे बस प्रेस करूंगा कंट्रोल आई इनवर्स। ओ माय गॉड, ये भूत लग रही है, मुझे भूत नहीं बनाना है, कंट्रोल आई लेकिन इनवर्स होता है, याद रखिए। शॉर्टकट की नंबर 30 के बाद
31 में चले जाते हैं। अगर आप इस इमेज को सेव करना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इसे सेव करने के पहले इसका डुप्लीकेट लीजिए, ओके कीजिए, क्योंकि आपने इसे क्लोज कर देना है, ये ओरिजिनल पे आपको सेव नहीं करना है, ताकि आप डुप्लीकेट को उसको अलग जगह पे सेव करें। ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। और कंट्रोल एस करेंगे सेव के लिए तो ये डायलॉग बॉक्स आता है, कंट्रोल एस, ये हमारे शॉर्टकट की नंबर 31 है। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इसको सेव करते समय यहाँ पे आपको लेने हैं इसके अलग अलग टाइप्स। आपको जेपीजी में सेव करना है, आपको फोटोशॉप में सेव करना है, मतलब फोटोशॉप की फॉर्मेट में, तो पीएसडी इमेज आपको कन्वर्ट करनी तो जेपीजी, बीएमपी, यहाँ पे बहुत सारा पीडीएफ भी है, तो यहाँ से आप फॉर्मेट लेके सेव कर सकते हैं कंट्रोल एस बटन से। सो शॉर्टकट की नंबर 31 में मैं आपको बताऊं कि सेव एज भी हम कर सकते हैं, और सेव एज तभी करेंगे जैसे आपने, मैंने आपको बताया कि इस इमेज को आपने अभी इसका डुप्लीकेट लिया था मैंने, चलो इसका डुप्लीकेट नहीं लिया है, लेकिन ओरिजिनल पे मुझे सेव नहीं करना है। अगर मैं सेव करूंगा तो इसी ओरिजिनल पे सेव होगा, राइट, मतलब ऑलरेडी ये ओरिजिनल कहीं ना कहीं पे है, तो मैं इसको सेव एज ये शॉर्टकट की यूज़ करके इसको डुप्लीकेट सेव करूंगा अगर मैंने कॉपी नहीं लिया है तो उसके लिए ये हमारी शॉर्टकट की रहेगी कंट्रोल शिफ्ट और यस। सेव एज का डायलॉग बॉक्स वैसे आएगा जैसे सेव का आता है, वैसे ही फाइल फॉर्मेट मिलेगी, सारी चीज़ें वैसे रहेगी, बस आपको यहाँ पे सेव एज यूज़ करना होगा दोस्तों जब आप इमेज का कॉपी नहीं लेते हो तो। शॉर्टकट की नंबर 33 की तरफ बढ़ते, ये इमेज मुझे नहीं चाहिए तो कंट्रोल डब्ल्यू कीजिए ना, क्लोज होता है। वैसे तो आप Alt F4 से तो पूरा फोटोशॉप बंद कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल डब्ल्यू एक एक इमेज जो नहीं चाहिए वो यहाँ से आप क्लोज कर सकते हैं। कैसे करना है आपको डेफिनेटली समझा होगा, राइट। सो शॉर्टकट की नंबर 34 की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इस इमेज में मुझे सलमान का पासपोर्ट साइज फोटो बनाना है, तो मैं क्रॉप करूंगा और सलमान को पहले क्रॉप टूल से सिलेक्ट करूंगा। देखिए क्रॉप टूल से सलमान को लिया, एंटर किया, अब यहाँ पे मैं इसे पासपोर्ट साइज का फोटो क्विकली बना पाऊंगा, उसके लिए बस मुझे प्रेस करना है अल्ट एफ यूपी, उत्तर प्रदेश वाला UNP, ओके। सो यूपी पिक्चर पैकेज आ जाता है अल्ट एफ यूपी से दोस्तों। पिक्चर पैकेज में आपको ढेर सारे पिक्चर की अलग अलग साइज मिलेगी, जैसे कि यहाँ पे पेज साइज मिलती है, पेज साइज में यहाँ पे 8x10, 10x16, 11x17, ऐसे अलग अलग साइज है। और मैं आपको बताऊँ कि यहाँ से भी आप इसके लेआउट चेंज कर सकते हैं, आपको कौन से साइज का फोटो चाहिए। देखिए 4 फोटोज 4x5 के आपको चाहिए, 4 फोटोज 3.5x5 के आपको चाहिए, 2.5 और 3.5y के 8 फोटोज, सो आप यहाँ से ले सकते हैं, और उसका प्रीव्यू आपको राइट साइड में दिखाई देता है। सो ओके कीजिए, कट 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 करके फोटोशॉप आपके लिए काम कर देगा, और आपके सामने रहेंगी ये पासपोर्ट साइज की फोटोज। अच्छा ये टेढ़े दिख रहे, ये कुछ एंगल में रोटेट है, तो हम इसे सीधा कर सकते हैं, उसके लिए रोटेशन है यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो है। फिलहाल तो ये ऑलरेडी क्लॉकवाइज है, इसे एंटी क्लॉकवाइज करेंगे हम, इसे हम क्लॉकवाइज ही करेंगे, अंडू कर देते, क्लॉकवाइज करेंगे, क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये सीधे हो गए 90 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट। सो मैं गलत था वहाँ पे, मैंने जज नहीं किया प्रॉपरली इसीलिए। सो अल्ट एफ यूपी ये हमारी शॉर्टकट की नंबर 34 थी। 35 में मैं आपको बताऊँ कि इसमें हम कुछ और सीखने वाले, जो कि है इसको मैं बंद कर देता हूँ, और ये मिनिमाइज भी हटा देता हूँ, मैं खिचड़ी नहीं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे दोस्तों। मैं कंट्रोल एन नया पेज लिया, और मैं चाहता हूँ इसमें कलर फिल करना, तो मैं अल्ट डिलीट बटन प्रेस करूँगा। अल्ट डिलीट यानी कि फोरग्राउंड कलर, यहाँ पे देखिए फोरग्राउंड कलर, यहाँ पे दो कलर, एक फोरग्राउंड एक बैकग्राउंड, ग्रीन एंड व्हाइट। ग्रीन की जगह आप कुछ और कलर रखना चाहते हो तो आप रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो आगे का कलर फिल करने के लिए जो शॉर्टकट की वो याद रखिए, अल्ट डिलीट फिल फोरग्राउंड कलर, फिल फोरग्राउंड कलर। और पीछे का करना है तो शॉर्टकट की नंबर 36 जो कि है कंट्रोल डिलीट फिल बैकग्राउंड कलर, राइट। बैकग्राउंड कलर देखिए व्हाइट आ रहा है, अल्ट डिलीट कंट्रोल डिलीट, राइट। एकदम सिंपल है, अल्ट डिलीट एंड कंट्रोल डिलीट से हम बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर फिल कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि यार यहाँ का जो ग्रीन कलर है, वैसे मैं क्लिक करके ऐसा बदल सकता हूँ, राइट, ऐसा बदल दिया मैंने, लेकिन मैं शॉर्टकट की के साथ बदलना चाहता हूँ, तो शॉर्टकट की नंबर 37 उसी के लिए तो है दोस्तों, जो कि F6 आप प्रेस करते हो कीबोर्ड से तो आपको मिलता है कलर पैलेट्स, और यहाँ से आप कलर्स चेंज करोगे तो वहाँ पे चेंज हो रहा है। ज़रा यहाँ पे ध्यान दीजिए, स्वेचेस में जाकर भी आप अलग अलग कलर्स यहाँ से ले सकते हैं, और स्टाइल्स में भी यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है दोस्तों, राइट। सो क्लियर है ये कि शॉर्टकट की नंबर 37 जाती दैट इज F6, ये कलर पैलेट को आप शो कर सकते हैं यहाँ पे। F6 हाइड करना है, हाइड कीजिए। सो F6 के बाद यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि सपोज आपको लगता है कि यार यहाँ पे मैंने ग्रीन कलर तो दे दिया है अभी, तो इस कलर को मैं पीछे बैकग्राउंड में भेजना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल है, इस एरो पे क्लिक करूँगा, पीछे चला गया और पीछे का कलर आगे आया, मतलब स्विच कलर करने के लिए यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं क्लिक, लेकिन ये कीबोर्ड से करना है तो वही तो हमारी शॉर्टकट की नंबर 38 है। एक्सप्रेस कीजिए, एक्स, बस कीबोर्ड से एक्सप्रेस कीजिए,
एक्सप्रेस करने से क्या होता है, मैं यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या हो रहा है, राइट। सो आगे का कलर पीछे, पीछे का कलर आगे, स्विच होगा कलर फोरग्राउंड टू बैकग्राउंड, बैकग्राउंड टू फोरग्राउंड। शॉर्टकट की नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि अगर आपने इमेज को जूम कर लिया, इमेज तो ले लूँ मैं पहले, ऐसी इमेज लेता हूँ जहाँ पे मैं जूम करूँगा तो कुछ गड़बड़ ना हो, समझ गए ना दोस्तों आप। ओके कंट्रोल प्लस, अरे यार आप समझदार हो, गलत इमेज पे जूम करोगे तो कुछ गड़बड़ तो हो ही जाएगी। ओके कंट्रोल प्लस करके यहाँ पे दिखाई दे रहा है जूम हो रहा है, लेकिन मैं इसका आँख दिखना चाहता तो मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने क्या प्रेस किया है, वही तो हमारी शॉर्टकट की है 39 नंबर की, स्पेस बटन प्रेस करके मैं यहाँ पे इधर उधर जा रहा हूँ इमेज के ऊपर। यानी कि इमेज अगर ज़्यादा जूम कर लिया आपने तो स्पेस प्रेस करके आपको मिलेगा पैन टूल, और फिर क्लिक एंड ड्रैग करना है माउस से, जिससे आप इमेज के ऊपर जिधर चाहिए उधर जा सकते हैं, और इसे स्क्रोलिंग के लिए ज़रूरत नहीं आपको स्क्रोल करने की, क्योंकि ये पैन टूल आपको वहाँ पर हेल्प करेगा। सो ये खाली जूमिंग के टाइम पर यूज़ होता है, स्पेस एंड ड्रैग बटन होल्ड करके ड्रैग करना है, पैन टूल लेना दोस्तों। शॉर्टकट की नंबर 40 में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको दिख रहा है लेयर्स, जो कि हमेशा जरूरी रहता है, लेकिन ये अगर गायब है तो उसे लाने के लिए एक शॉर्टकट की से ला सकते हैं F7 से, और गायब भी F7 से होती है वैसे दोस्तों। हाइट शो F7, राइट। शॉर्टकट की नंबर 41 में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे ये जो जितने भी टैब ऑप्शन दिख रहे हैं सारे के सारे गायब करना है, तो टैब बटन प्रेस करना है, सारे टूल बार गायब हो रहे हैं। देखिए टूल बॉक्स गायब हो गया, लेयर्स और ऑप्शन बार तीनों गायब, टैप बटन से, बस कीबोर्ड पे टैप बटन प्रेस करोगे तो आपको मिलेगा ये डायरेक्टली हाइड एंड शो। अब शॉर्टकट की नंबर 42 में मैं आपको बताऊं कि ये फुल स्क्रीन कैसे करना है, एफ बटन प्रेस करना है। देखिए एफ बटन प्रेस करेंगे फुल स्क्रीन, और मैं टैप बटन प्रेस करके इनको गायब भी कर सकता हूँ। एफ फुल स्क्रीन, याद रखिए फुल स्क्रीन के लिए एफ बटन, बस दैट्स इट। शॉर्टकट की नंबर 43 में मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर आप ब्रश यूज करते हो, ब्रश तो मैंने अभी यूज नहीं किया, लेकिन ब्रश यूज करते हो तो ब्रश की प्रॉपर्टीज लाने के लिए F5, अभी आपको दिखाई दे रही है कि ब्रश की प्रॉपर्टीज आ रही राइट साइड में है ना, लेकिन ये सब डिजेबल है, एक्टिव नहीं है, क्योंकि हमने ब्रश नहीं लिया। तो यहाँ से अगर मैं ब्रश टूल लेता हूँ, यहाँ पे देखिए ब्रश टूल है हमारे पास, और ब्रश से कुछ ड्रॉ करना चाहता हूँ लेकिन ब्रश की साइज या प्रॉपर्टी चेंज करनी है, जो भी यहाँ पे है F5, तो यहाँ पे आपको मिलेगी ये सारी एक्टिव, यहाँ से आप ब्रश की साइज चेंज कर सकते हैं, दिखाई दे रहा है बहुत सारी चीजें हैं। सो F5 याद रखिए ब्रश की प्रॉपर्टीज लाने के लिए दोस्तों। शॉर्टकट की नंबर 44 में चले जाते हैं, और उसमें मैं आपको बताऊं कि अगर इमेज के ऊपर आप कुछ काम करते हो तो उसकी हिस्ट्री भी स्टोर होती है। वैसे आप अंडू करके पीछे जाते हो, लेकिन मुझे स्टेप बाय स्टेप देखना है कि मैंने पीछे क्या क्या स्टेप्स किए हैं, वो सारी चीज़ें सेव होती है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, इमेज के ऊपर कुछ काम तो करना पड़ेगा ना, तो मैं पहले क्या करता हूँ, सपोज इस आई को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओ इससे नहीं करता हूँ, ये हमारा इलेप्टिकल मार्केट टूल से करता हूँ, और यहाँ पे अल डिलीट कलर फिल कर दिया, यहाँ पे अल डिलीट कलर फिल कर दिया, यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, कलर न्यू लेयर पे लेके फिल कर देता हूँ, न्यू लेयर, और यहाँ पे अल डिलीट कलर फिल, यहाँ पे अल डिलीट, ये मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, वैसे भी मैंने प्रॉपरली कलर कैसे देना है बता दिया आपको, कंट्रोल डी सिलेक्शन हटा दिया। अब मैं हिस्ट्री में चले जाना चाहता हूँ, F9 प्रेस करूँगा, यहाँ पे एक एक्शन का डायलॉग बॉक्स आता है जिसमें हिस्ट्री आता है कि आपने क्या क्या किया इस इमेज के साथ, इस इमेज के साथ बोल रहा हूँ मैं, क्या क्या किया आपने, ये यहाँ पे दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है आपको एक एक चीज़, यहाँ पे पीछे जा रहे हैं आप, राइट क्लिक करके जाके देख सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे हिस्ट्री में स्टोर होती है, दूध का दूध पानी का पानी मिल जाएगी, ये है आपकी इमेज की कहानी। ओहो मैं भी राइमिंग करता हूँ दोस्तों कभी कभी, इंटरेस्टिंग है ये शॉर्टकट की F9। अब शॉर्टकट की नंबर 45 की तरफ बढ़ते हैं, और अब हमारी बस 6 ही शॉर्टकट की बाकी है। अब तक ये वीडियो आप देख रहे हो यानी कि आप फोटोशॉप में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, और साथ ही में मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगर आपने मेरा फोटोशॉप का वीडियो नहीं देखा है जो कि लगभग 2.5 घंटे का वीडियो है, जी हाँ 2.5 अक्षर प्रेम के आपने सुने थे, लेकिन यहाँ पे 2.5 घंटे फोटोशॉप के, ये मेरा वीडियो है, ज़रूर देख लेना मेरे चैनल के ऊपर है, और उस वीडियो को देख के आपको जरूर फोटोशॉप आ जाएगा, ये मैं कहना चाहूँगा, बस इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि उसमें मैंने फोटोशॉप डिटेल में एक्सप्लेन किया है, साथ ही में मैंने कोरल ड्रॉ का 3.5 घंटे का वीडियो बनाया है, और मैं पेज मेकर का भी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए ले चुका हूँ दोस्तों, वो पता नहीं कितने घंटे का होगा, लेकिन पेज मेकर का वीडियो आपकी रिक्वेस्ट पर बन रहा है, बनते ही अपलोड हो जाएगा आपके लिए। रियल ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ये सारी चीज़ें मुझे आपको पहले बतानी है, क्योंकि आप एंड तक वीडियो कभी कभी देखते नहीं, मैं एंडिंग में बताता हूँ तो आप भूल जाते हो लाइक करना, तो इसलिए लाइक कर दो ना यार, नीचे लाइक कर दो जल्दी से। फिलहाल तो आगे बढ़ते 45 शॉर्टकट की तरफ, जिसमें मैं आपको बताऊँ कंट्रोल
वन बाय प्रेस करता हूँ, ये हो गई ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा आपको लगेगा ये ब्लैक एंड व्हाइट नहीं, अलग अलग चैनल्स में कन्वर्ट हो रही है, ये हो रहा है रेड चैनल, ये हो रहा है ग्रीन चैनल, ये हो रहा है ब्लू चैनल, आपको यहाँ पे चैनल दिखाई दे रहा है ये ब्लू चैनल राइट, ऊपर दिखाई देगा, ऊपर जो माउस रखा है मैंने यहाँ पे देखिए, सो कंट्रोल वन रेड ब्लू ग्रीन ब्लू कंट्रोल वन टू थ्री, और कंट्रोल वन टू थ्री के बाजू में जो टिल्ड बटन रहता है, टिल्ड एस्केप के नीचे रहता है आपके कीबोर्ड पे, मैं बता देता हूँ उसे टिल्ड बोलते हैं, सो मैं वो प्रेस करता हूँ ना तो वापस RGB चैनल में आ जाता है, RGB ऊपर देखिए अभी रेड ग्रीन ब्लू नहीं, RGB एक साथ आएगा तीनों भी, मतलब इंडिविजुअल नहीं। सो ये दरअसल करता क्या है, इमेज में एक ही कलर अगर है, याद रखिए ये RGB कलर मतलब क्या होता है, रेड कलर यहाँ पे क्या होता है, रेड चैनल क्या होता है, मैं आपको एकदम सिंपली समझा देता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे एक कीबोर्ड पे शॉर्टकट की प्रेस कर रहा हूँ, वो है F8, और F8 प्रेस करने के बाद यहाँ पे एक इंफो आता है, जैसे मैं माउस इसके ऊपर घुमा रहा हूँ तो यहाँ पे RGB में ज़रा ध्यान दीजिए, यहाँ पे RGB जो दिख रहा है ना उसमें क्या आ रहा है, इसमें तीनों भी कलर इमेज के ऊपर सेम आ रहे हैं, और ये सभी तीनों चैनल में ऐसा ही होगा रेड ग्रीन ब्लू के चैनल में। लेकिन मैं कंट्रोल टिल्ड बटन प्रेस करके अगर इसे कलर करता हूँ तो यहाँ पे RGB में नोटिस कीजिए, आर का कलर ग्रीन का कलर हर एक पोजीशन पे चेंज होता है राइट। सो याद रखिए ये कॉम्बिनेशंस होता है RGB का, इसीलिए ये ऐसा होता है, और ये चैनल्स मैंने आपको बता दिया क्या होता है। अब शॉर्टकट की नंबर 46, यानी कि अगर आप इमेज के ऊपर टेक्स्ट लिखते हो, जैसे मैंने यहां पे लिखा है ऐश्वर्या जी ओके, सो टेक्स्ट का कलर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं वाइट कर देता हूँ, आप ब्लैक कीजिए वाइट कीजिए जो भी है, आप इसे सिलेक्ट कर चुके हैं कंट्रोल से, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन है और लेस देन, ये हमारी शॉर्टकट की नंबर 46 है, जिससे टेक्स्ट की साइज जो है कम ज़्यादा होती है दोस्तों। टेक्स्ट की साइज कम ज़्यादा करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, बूम 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 बूम, ओहो दैट्स ग्रेट, आपको माउस से सिलेक्ट करके फिर इधर जाके साइज बढ़ाना है तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट की तो हम सीख रहे हैं, सुपर फास्ट बनना है तो यही कीजिए। अब शॉर्टकट की नंबर 47 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत सिंपल है, इसी टेक्स्ट के ऊपर करने वाले, वो है कंट्रोल शिफ्ट के। देखिए क्या हो रहा है, लोअर केस में आ गया, कंट्रोल शिफ्ट के अपर केस, कंट्रोल शिफ्ट के लोअर अपर लोअर अपर लोअर अपर, बस कंट्रोल शिफ्ट के, यानी कि हम चेंज केस कर सकते हैं फोटोशॉप के अंदर इस शॉर्टकट की से। ये थी शॉर्टकट की नंबर 47, अब बढ़ते हैं 48 की तरफ, जो कि है इंटरेस्टिंग। ऐसा क्यों, क्योंकि इस टेक्स्ट को मैं करूंगा डिलीट, मैं इसके ऊपर नया लेयर लूंगा और अल्ट डिलीट बटन प्रेस करूंगा, नए लेयर पे ये कलर मैंने फिल किया, इस टूलबार को मैं करता हूँ गायब। लेयर के ऊपर ध्यान दीजिए, इस लेयर के ऊपर यहाँ पे एक कलर है और इमेज पीछे है, अब मैं इसकी ओपेसिटी यहाँ से चेंज करूंगा तो आपको पता है इमेज दिखाई देगी राइट, और मैं कीबोर्ड से ओपेसिटी चेंज करना चाहता हूँ तो अल्ट 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7, है ना, अलग अलग नंबर्स प्रेस करेंगे तो अलग अलग ओपेसिटी वहाँ पे परसेंटेज में आएगी, आपको दिख रहा है इमेज के ऊपर चेंज होती जाएगी। तो अगर कोई भी लेयर है, मैंने तो ये कलर फिल किया, कोई भी लेयर का ओपेसिटी आपको कम करना है तो आप अल्ट प्रेस करके उस नंबर को प्रेस करो, न्यूमेरिक कीज को 0 से लेकर 9 तक, आपको अलग अलग यहाँ पे मिलेगी ओपेसिटी। सो ये थी शॉर्टकट की नंबर 48, ओपेसिटी कैसे कम ज़्यादा करना है। अब 49 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मर्ज लेयर्स। मर्ज लेयर्स क्या होता है, ये आपने पहली बार सुना है तो ज़रा ध्यान से देखिए इस टॉपिक को। इस इमेज के ऊपर कुछ मैं लेयर लेता हूँ, लेयर लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, सपोज मैंने काम कर दिया, चलिए यहाँ पे मैंने ये वाली इमेज ली और ये वाली इमेज पे वो वाली इमेज लेता हूँ, मतलब इसमें मैंने ये आँख ले ली और यहाँ पे इसको डाल दिया, ये पहला लेयर हो गया यहाँ पे हमारा। फिर यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस आँख को थोड़ा सा इधर ले लिया और ये भी मूव कर दिया राइट। आप ऐसा कर सकते हैं, जो भी आपको मूव करना है यहाँ से आप सेलेक्ट कीजिए, और यहाँ पे मैंने तीन लेयर अभी बना दिए, आपको दिखाई दे रहे ऐसा कुछ भी रैंडमली, मेरे पास तीन लेयर है, मैं इन तीनों लेयर को मर्ज करना चाहता हूँ, कंट्रोल ई, यही तो हमारी शॉर्टकट की नंबर 49 है, कंट्रोल ई। ये देखिए अब तीनों एक साथ हो गए, पहले तीनों अलग अलग थे, अंडू कर देता हूँ, तीनों अलग अलग थे देखिए, है ना, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अलग अलग है। अब मैं इनको मर्ज करना चाहता हूँ, सबसे ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल ई, ये दोनों मर्ज हो गए, कंट्रोल ई, ये तीनों मर्ज हो गए राइट, एक साथ मर्ज करेंगे। और मैं आपको बताऊँ कि इन सबको एक साथ मर्ज करना है तो शॉर्टकट की नंबर 50 यूज़ कीजिएगा, जो कि है कंट्रोल शिफ्ट ई। वाओ, ये सब मर्ज हो गया, लेकिन ये मूव नहीं होगा, अभी इसके साथ मर्ज हो गया, ज्वाइंट हो गया। तो अब आपको सब लेयर मर्ज करने हैं तो कंट्रोल शिफ्ट ई कीजिए, एक एक लेयर मर्ज करना है तो याद रखिए कर्सर आप ऊपर रखेंगे कंट्रोल ई प्रेस करें, कर्सर आप नीचे रखेंगे तो ये नीचे मर्ज हो जाएगा, या कर्सर लास्ट में है तो कुछ मर्ज नहीं होगा, कंट्रोल ई से कुछ नहीं होगा, कर्सर आपको ऊपर रखना होगा। तो शॉर्टकट की नंबर 49 और 50 तो हो गई दोस्तों, अब
बढ़ेंगे 51 की तरफ, लेकिन मैं आपको बताऊं कि लर्न मोर नाम का एक मेरा चैनल है, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे तो आपको मिलेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स वहाँ पे देखने के लिए। लर्न मोर एक मेरा पुराना चैनल है, आप अगर पहले से मेरे व्यूअर तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं आपको बस इस जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि लर्न मोर के ऊपर ढेर सारे कंप्यूटर टिप्स और ट्रिक्स की वीडियोज अपलोड किए। और हाल ही में मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके लिए वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कंप्लीट वीडियो, जरूर वो जल्दी अपलोड होगा, इसलिए लर्न मोर चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों। साथ ही में कंप्लीट टेक्नोलॉजी जहाँ पे होते हैं हार्डवेयर की बातें और उसके भी वीडियोज 1 मार्च से रेगुलर आने वाले हैं कंप्लीट टेक्नोलॉजी चैनल पे। जी हाँ, 1 मार्च से रेगुलर आएंगे ज़रूर, तो ज़रूर उस चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए और उसके भी वीडियो देखिएगा दोस्तों। सो अब तो 51 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि 51 नंबर की शॉर्टकट की है हमारी यहाँ पे। इसमें सपोज ये इमेज ऊपर आ गई और ये पीछे चली गई, तो यहाँ पे ये इमेज पीछे भेजनी है आपको, ये ऊपर नीचे करना है, तो आप इसे ड्रैग करके रख सकते हैं, दिखाई दे रहा है, ड्रैग करके ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ये शॉर्टकट की के साथ करना है। तो कंट्रोल शिफ्ट और स्क्वायर ब्रैकेट, ओपन स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे तो सेंड टू बैक होगा, और क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट करेंगे तो ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड टू बैक, ब्रिंग टू फ्रंट, दिखाई दे रहा है ना वहाँ पे क्या हो रहा है इमेज के ऊपर। और कोई भी लेयर को ऊपर नीचे करना है तो आप ये कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ओपन ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट आई मीन, एंड कंट्रोल शिफ्ट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये थी हमारी टोटल 51 फोटोशॉप की शॉर्टकट। आपने ये वीडियो पूरा देखा इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लाइक भी किया होगा आपने, शेयर भी कीजिए दोस्तों के साथ। मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर, सीखते रहो, सिखाते रहो, बाय बाय।